हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं अंकित और मैं हूं अभी गुलमर्ग में, और गुलमर्ग में अभी हो रहा है टेम्परेचर -7 डिग्री सेल्सियस। तो इस वीडियो में हम घूमेंगे गुलमर्ग। आप यहां पे क्या क्या देख सकते हो, क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हो, मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊँगा। और बहुत ठंडी हो रही है, मेरे होंठ जम रहे हैं। तो चलिए फिर करते हैं वीडियो शुरू। अगर आप इस चैनल पर नए हो सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू इट एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो। तो चलिए फिर घूमते हैं गुलमर्ग। गुलमर्ग कश्मीर का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में से एक है, और यहाँ आप वाया रोड ही पहुँच सकते हैं। गुलमर्ग का श्रीनगर से डिस्टेंस अराउंड 51 किलोमीटर है, और यहाँ तक पहुँचने में अराउंड 1 से 1.5 घंटा लगता है। श्रीनगर से निकलकर हम सबसे पहले पहुँचे तंगमर्ग, जो कि अराउंड 38 किलोमीटर था। यहाँ से गुलमर्ग सिर्फ 13 किलोमीटर ही रह जाता है। तो भाई अभी मैं हूँ तंगमर्ग में, और ये श्रीनगर से कुछ 25 किलोमीटर दूर है। और क्योंकि श्रीनगर से तंगमर्ग से गुलमर्ग है कुछ 12 किलोमीटर पर, तंगमर्ग के आगे जो सड़क है उस पर बर्फ़ होती है, और नॉर्मल गाड़ियाँ जो हमारी क्रिस्टा थी वो नहीं जा सकती है। तो तंगमर्ग में हम गाड़ी चेंज करते हैं, क्योंकि जो कि सिर्फ 4x4 होती है या चेन वाली गाड़ियाँ होती है। चेन वाली गाड़ी का मतलब होता है ये कि इन्होंने स्कॉर्पियो या टाटा सुमो में चक्कों में चेन लगा दी होती है, जो कि ये बर्फ़ पे ग्रिप बनती है और आराम से ये ऊपर चढ़ जाती है। तो भाई यहाँ से हम जाएंगे अपनी चेन वाली गाड़ी में गुलमर्ग तक, जो कि कुछ 12 किलोमीटर है यहाँ से। तो चलिए बस सामान लोड हो रहा है और फिर हमको अपने बूट्स वगैरह पहनने हैं और फिर हम चलेंगे गुलमर्ग। बूट और जैकेट के साथ एकदम रेडी हैं जाने के लिए। और ये मेरी जैकेट है और ये मेरे बूट्स हैं। इसका मिला के 300 रुपये पर डे पड़ा है, और हम लोग 2 दिन के लिए तो हमने 600 रुपये दिए हैं। तो ये बेसिकली रेंटल चार्जेस हैं। अगर आप थोड़ा बहुत मोल भाव कर पाओ तो आपकी किस्मत। तो अभी एकदम सेट हैं गुलमर्ग के लिए, गुलमर्ग निकलने के लिए। ये हमारा सामान वामान सब रख दिया है, और ये हमारी गाड़ी है चेन वाली। तंगमर्ग से गुलमर्ग हम अराउंड 15 से 20 मिनट में पहुंच गए, और इस चेन वाली गाड़ी की कॉस्ट हमें पड़ी 2,400 रुपीज, जिसमें गुलमर्ग से तंगमर्ग का रिटर्न फेयर भी इंक्लूडेड था। भाई फाइनली गुलमर्ग आ चुके हैं। जो गुलमर्ग में जो हमारा होटल है वो है होटल हिल टॉप, एंड ऐसा बोल तो रहे हैं कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट होटल्स इन गुलमर्ग। और हमारा पायलट भी हमारे साथ में है। आपको उसकी स्माइल नहीं दिखेगी अभी, क्योंकि ठंडी ज़्यादा है, वैसे दिख जाएगी ऐसे। चलो फिर होटल में करते हैं चेक इन, और ये भी हमारे साथ हैं आज। तो भाई अपने होटल हिल टॉप में आ चुके हैं, और हमारा जो चेक इन टाइम है वो 2 बजे का है। तो अभी बस वही सब फॉर्मेलिटीज़ चल रही हैं, और हमारा स्वागत होने वाला है कश्मीरी कावा से। बस आ ही रहा है, और व्यू बहुत ही अच्छा है। हमारी थोड़ी किस्मत ख़राब है कि 3 दिन पहले स्नोफॉल हुआ था, और अगला स्नोफॉल होने वाला है 8 या 9 तारीख को, और हम यहाँ सिर्फ 2 और 3 तारीख के ही हैं। भाई ये बढ़िया गर्मा गर्म कश्मीरी कहवा है, और टेम्परेचर इज़ -2 अभी, और रात को जाएगा -9 तक, और कश्मीरी कहवा इंजॉय करते हैं फ्रॉम गुलमर्ग हिल टॉप होटल। तो भाई गुलमर्ग का जो हिल टॉप होटल है, बोलते हैं कि गुलमर्ग का इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट होटल्स आफ्टर एक खाइबर करके होटल है, वो तो खैर आउट ऑफ द बजट होटल है। पर डे उसका कुछ 40-50,000 होता है। तो जो गुलमर्ग में मेरा होटल है हिल टॉप, तो उसका रूम मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से ये एंट्री है, और पहले वॉशरूम ही देख लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले यही पड़ रहा है। तो ये बढ़िया सा वॉशरूम है, काफ़ी क्लीन है, और ये मिरर वगैरह है, ये टॉयलेट है, और ये बेडिंग एरिया है। उसके अलावा ये डबल बेडरूम है, और यहाँ पे टेलीफोन वगैरह दिया है। यहाँ पे एक मिनी फ्रिज है, और उसमें कुछ चीज़ें रखी हैं बट दे आर चार्जेबल। और
रूम बहुत ही ब्यूटीफुल है, काफ़ी अच्छा है। ये टीवी दिया हुआ है इन्होंने हमको विद सेट टॉप बॉक्स, टाटा स्काई का HD वाला सेट टॉप बॉक्स है। और ये सिटिंग एरिया है यहाँ पे, और एक ये टेबल भी है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री चाय कॉफ़ी वगैरह, इलेक्ट्रिक केटल और दो पानी की बॉटल है। खैर यहाँ पानी थोड़ा कॉस्टली है, इसलिए इन्होंने शायद आधे आधे लीटर की दो बॉटल दी हुई हैं। और अगर व्यू की बात करें तो ये बैक साइड का व्यू है, और अभी परसों ही यहाँ स्नोफॉल हुआ था, तो ये काफ़ी सुंदर दिख रहा है व्यू तो। और ये यहाँ पे हीटर है हमारा रूम का, तो ये है फिर मेरा गुलमर्ग का होटल रूम। गुलमर्ग की मेरी ट्रिप 2 दिन की थी, और हमारी पहले दिन की शुरुआत हुई एक बढ़िया सी ATV राइड से, जिसने हमें पूरे गुलमर्ग का चक्कर लगवाया। अभी हो रहा है 11:30 और टेम्परेचर है -7°C, और आज हम जा रहे हैं गुलमर्ग भ्रमण पे। तो नहीं भैया, तो गुलमर्ग भ्रमण के लिए आप बुक करोगे एक ATV राइड, जिसकी कॉस्ट होगी 2,000 रुपीस। तो उस ATV राइड से आप पूरा गुलमर्ग घूमोगे, कुछ 13 किलोमीटर का चक्कर होगा बीच में रुकते रुकाते। पॉइंट्स क्या क्या होंगे वो तो अभी आगे ही पता चलेगा, और इसका ड्यूरेशन होगा कुछ 1.25 घंटे का। तो चलिए फिर ATV राइड बुक करते हैं और घूमते हैं गुलमर्ग। ATV राइड का स्टार्टिंग पॉइंट हमारे होटल से कुछ 300 मीटर ही था, जहां हम सुबह सुबह वॉक करके पहुंच गए। ATV एसोसिएशन गुलमर्ग की पार्किंग है ये, और यहां से आप ATV वगैरह बुक करोगे और ये फिर पूरा आपको घुमाएंगे। तो अभी शायद कुछ डिस्कशन चल रहा है, और फिर ATV बुक करके करेंगे गुलमर्ग का एक्सप्लोरेशन। एक फेल्ड नेगोशिएशन अटेम्प्ट के बाद हमारी शुरू हुई ATV राइड। ATV राइड शुरू होने के 1-2 किलोमीटर के बाद ही हमें साफ सुथरी और सफेद बर्फ दिखना शुरू हो गई। इस ATV राइड के रास्ते पर ना ही कोई 2-व्हीलर या 4-व्हीलर अलाउड है, इसलिए ही यहाँ की बर्फ इतनी साफ और सुंदर थी। कुछ 3-4 किलोमीटर चलने के बाद आया हमारा पहला स्टॉप। भैया अभी ATV राइड के पहले स्टॉप पे हैं हम लोग। बड़ा ही खुला सा एरिया है और धूप बहुत अच्छी है, तो फोटोज उम्मीद है बहुत अच्छी आएंगी। और ये एक फ़ोटो स्टॉप है बेसिकली, अभी बोल तो रहे हैं कि आगे जाके आपको भी चलाने के लिए देंगे, और ATV पे भी आप फ़ोटो ले सकते हो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी है, काफ़ी बर्फ़ है चारों तरफ। कुछ देर यहाँ रुकने और खूब सारी फोटोज खिंचाने के बाद अब समय था इस जगह को बाय बाय बोलने का। कुछ देर बाद हम पहुंचे हमारी ATV राइड के सेकंड स्टॉप पे। तो भाई ATV राइड के सेकंड स्टॉप पे आ चुके हैं। यहाँ पे काफी ही मखमल जैसी बर्फ है, और मेरे पैर तो कुछ काफी अंदर तक घुस जा रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट बर्फ है। और इससे पहले मैंने इतनी सॉफ्ट बर्फ कभी नहीं देखी है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे तो बेसिकली जो हम आइस गोला खाते हैं ना, उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट बर्फ है ये। यहाँ पे हमने खूब सारी बर्फ खेली, फोटोज खिंचवाई, और फिर लास्ट में मैंने ATV चलाई। कुछ देर टाइम स्पेंड करने के बाद हम अपने आखिरी स्टॉप से निकले और गुलमर्ग की खूबसूरत वादियों के बीच से होते हुए अपने फाइनल स्टॉप पे पहुंच गए। हमारी इस ATV राइड का फाइनल स्टॉप था गुलमर्ग का गोल्फ कोर्स। तो भाई ATV राइड हो चुकी है हमारी खत्म। कुछ 13 किलोमीटर का चक्कर था, और बहुत ही अनसीन पॉइंट्स हमने देखे गुलमर्ग के। और क्योंकि वो एरियाज में आप सिर्फ और सिर्फ ATV राइड से ही जा सकते हैं, वहाँ गाड़ी वगैरह अलाउड नहीं है। और अभी मैं हूँ गुलमर्ग के 18-होल गोल्फ कोर्स में, जिसको बोलते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स है। पर ये गोल्फ कोर्स अभी तो पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, जहाँ नज़र जा रही है वहाँ सिर्फ 2-2 फुट की बर्फ़ है। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो, आप चाहो तो स्लेज के मज़े ले सकते हो, स्कीइंग कर सकते हो, और पोनी राइड वगैरह भी कर सकते हो। तो भैया आप कश्मीर आए और कश्मीरी कहवा का आनंद ना ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अभी मुझे कुछ 2-3 दिन हो चुके हैं श्रीनगर कश्मीर में, और मैं कम से कम 10-12 बार कहवा पी चुका हूँ,
तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि मैं 18 होल गोल्फ कोर्स में हूँ गुलमर्ग के, और यहाँ पे आप एक्टिविटीज़ वगैरह कर सकते हो। तो ये रास्ते में आपको कहवा वगैरह भी बेचते हैं, तो मैंने लिया हुआ है, ये बढ़िया ही फ्रेश बना हुआ कश्मीरी कहवा, एंड द कॉस्ट इज़ ओनली 30 रुपीज़, एंड इट इज़ रियली यम। तो आई हाईली रिकमेंड कि जब भी आप कश्मीर आएँ तो कश्मीरी कहवा का आनंद जहाँ जहाँ हो सके वहाँ वहाँ लें, क्योंकि परसों हम डल लेक गए थे, डल लेक में हमने शिकारा राइड की थी जिसका व्लॉग मैंने अलग से बनाया है, एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर कार्ड में भी है। तो वहाँ भी हमने कश्मीरी कहवा लिया था। अब मेरा बस एक मन है यहाँ पे नमक वाली चाय पीने का, पर तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो सिर्फ लोकल्स अपने घर में अपने लिए बनाते हैं, ऐसे आपको बाहर नहीं मिलेगी, बट कश्मीर ट्रिप ख़त्म होने के पहले मैं ट्राई ज़रूर करना चाहूँगा। गुलमर्ग के विंटर्स में स्कीइंग काफ़ी फेमस एक्टिविटी है और काफ़ी जगह से लोग यहाँ पे स्कीइंग की ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। तो अंशिका और हनी ने भी यहाँ पर स्कीइंग की थोड़ी सी बिगिनर लेवल की ट्रेनिंग ली। तो आप यहाँ पे आके प्रॉपर स्कीइंग का लेसन भी ले सकते हो, और इसमें आपको स्कीइंग के गियर्स प्लस एक गाइड मिलेगा, एक टीचर मिलेगा आपको, और इसकी जो कॉस्ट है वो है 2200 विच इंक्लूड्स अ ट्रेनर एंड द स्कीइंग गियर्स। बट अगर आप थोड़ा बार्गेन करते हो तो आप इसको 1500 तक में भी ले सकते हो। तो जैसे अंशिका और हनी कर रहे हैं, तो हमने इन दोनों का टोटल कॉस्ट 2000 में लिया है। तो जहाँ पर पर्सन 2200 बोल रहे थे वहाँ टोटल 2000 लग रहा है। प्लस इसमें टाइम ड्यूरेशन नहीं है, ये आपके ऊपर है, आप जितनी देर करना चाहो, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, फुल डे, तो कॉस्ट उतनी ही पड़ेगी आपको। तो अभी इनकी पहले नीचे ट्रेनिंग हो रही है बेसिक वाली, फिर इसके बाद यहाँ से ये लोग ऊपर जाएंगे उधर से, और फिर स्कीइंग करते हुए आएंगे जितना जो भी ये लोग सीख पाएँ। आधा एक घंटे के ट्रेनिंग सेशन के अंदर ही दोनों बिगनर लेवल की स्कीइंग सीख गए थे। तो अगर आप विंटर्स में अगर गुलमर्ग आ रहे हैं और स्कीइंग में इंटरेस्टेड हैं, तो बेझिझक ये एक्टिविटी एंजॉय कर सकते हैं। तो भाई हनी और अंशिका का स्कीइंग सेशन हो चुका है, बिगनर लेवल तो ये लोग सीख गए, और काफ़ी सही लगा मुझे, वर्थ था जितना हम पे कर रहे हैं उसके लिए, काफ़ी अच्छे ट्रेनर्स हैं। तो अगर आप करना चाहो तो आप भी कर सकते हो, आई विल रिकमेंड इट। और इस स्कीइंग एक्टिविटी के बाद हमारा हुआ गुलमर्ग का पहला दिन खत्म। भाई शाम हो चली है और बादल भी आ चुके हैं, सूरज ढलने का समय भी होने वाला है, और आज हमने गुलमर्ग में करी ATV राइड जो हमको काफ़ी अनसीन एरियाज तक लेके गया, और जहाँ पे 4-व्हीलर्स या 2-व्हीलर्स अलाउड नहीं थे। काफ़ी ब्यूटीफुल था, काफ़ी वाइट था, मतलब पूरी स्नो की चादर ही थी हर जगह, और बहुत ही सॉफ्ट स्नो थी। और उसके बाद फिर हमने जो इसका ये जो 18 होल गोल्फ कोर्स आप मेरे पीछे देख रहे हो, वहाँ पे हमने थोड़ा सा टाइम पास किया। वहाँ पे आप एक्टिविटीज़ कर सकते हो, स्लेज कर सकते हो, स्कीइंग कर सकते हो। तो हनी और अंशिका ने तो स्कीइंग का कोर्स लिया। गुलमर्ग का हमारा फाइनल डे शुरू हुआ गोंडोला राइड से। हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। तो आज है गुलमर्ग का फाइनल डे और फाइनल एक्टिविटी, अभी हम जा रहे हैं गोंडोला राइड के लिए। गोंडोला का मैंने और अंशिका और हनी का तो फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों का टिकट है, तो पहले हम फेज़ 1 जाएंगे फिर फेज़ 2 जाएंगे। तो चलो फिर चलते हैं। अपने होटल से कुछ 300 मीटर वॉक करके हम पहुंचे गोंडोला राइड के स्टार्टिंग पॉइंट पे। एंट्री पे हमारे सिर्फ फर्स्ट फेज के टिकट चेक हुए और हमें अंदर भेज दिया गया। तो एंट्री पे हमारे फर्स्ट फेज के टिकट्स बस चेक हुए हैं, और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपको सेकंड फेज जाना है तो फर्स्ट फेज की टिकट लेना मैंडेटरी है, उसके बिना आप सेकंड फेज पे नहीं जा सकते हो। गुलमर्ग गोंडोला राइड एशिया की लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट गोंडोला राइड है, एंड ये वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट गोंडोला राइड है। थोड़ा और अंदर हम जाके पहुंचे फर्स्ट फेज जाने वाली गोंडोला राइड की लाइन में। तो अभी हम फर्स्ट फेज की लाइन में लगे हुए हैं। तो जो पहले फेज का डिस्टेंस है वो है 2.4 किलोमीटर, और जो सेकंड फेज है वो है 2.65 किलोमीटर। तो जो इंक्लिनेशन है वो फर्स्ट फेज में होता है 400 मीटर का, पर सेकंड फेज में है 880 मीटर का।
तो चलो चलते हैं पहले फर्स्ट फेज पे। बहुत भीड़ है बट लाइन थोड़ी मूव कर रही है। गोंडोला बोर्ड करने के पहले एक बार और हमारी आईडीज और टिकट्स चेक हुए और फिर आया हमारा गोंडोला। इस गोंडोला में एक बार में अप टू 6 लोग तक बैठ सकते हैं। और फिर फाइनली शुरू हुई हमारी गोंडोला राइड फर्स्ट फेज की, जो थी गुलमर्ग रिसोर्ट से कोंगडोरी स्टेशन तक। यह कोंगडोरी स्टेशन अप्रोक्सीमेटली 8,500 feet पर है और यहाँ तक की गोंडोला राइड की ड्यूरेशन होती है अराउंड 9 minutes की। अभी फर्स्ट फेज पे आ चुके हैं और अभी हम हाइट ऑफ 3,000 meters फ्रॉम मीन सी लेवल। और यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप कर सकते हो। स्नो माउंटेन बाइक है और भी कैफेज़ वगैरह हैं। तो पर अभी हम डायरेक्ट जा रहे हैं सेकेंड फेज। यहाँ पे एंट्री पे हमारे गोंडोला राइड के सेकेंड फेज के टिकट्स चेक हुए और उसके बाद हमने बोर्ड की अपनी गोंडोला को। गोंडोला राइड का सेकेंड फेज होता है कोंगडोरी स्टेशन से अपारवत रेंज तक, जिसकी हाइट है 13,800 feet और टॉप तक पहुंचने में अराउंड 12 से 13 मिनट तक लगते हैं। फेज टू पर पहुंचते ही जैसे ही हम गोंडोला से बाहर निकले, हमारे सामने थे बर्फ के बहुत ही सुंदर पहाड़। ऐसा व्यू मैंने अपनी लाइफ में इसके पहले कभी नहीं देखा था। तो भाई अभी हम हैं फेज टू गोंडोला पे और इसकी हाइट है 13,800 feet फ्रॉम मीन सी लेवल। और अगर मीटर में बात करें तो हमें 4,000 meters पे, और बहुत ही सुंदर व्यू है। और हमें फर्स्ट फेज से सेकंड फेज आने में कुछ 15-20 मिनट लगे हैं। और यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा करने को है नहीं बस, लेकिन फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही हैं क्योंकि पूरी सफ़ेद चादर है बर्फ़ की। और क्या कहते हैं, बाकी आप मैगी कहवा वगैरह इंजॉय कर सकते हो यहाँ पे। और मैं तो अभी, हम लोग तो बस अभी सिर्फ फोटो खिंचवा रहे हैं। भाई 13,800 feet पे कश्मीरी कहवा हमने लिया है और अभी जो टेम्परेचर है वो है अराउंड -10 degrees। और एक चीज़ और है, थोड़ी गर्मी लाने के लिए मैं आपको बता दूँ कि कश्मीरी कहवा जो कि नीचे 30 rupees का मिल रहा था, वो यहाँ पे 100 rupees का है और क्वांटिटी उतनी ही है। और 100 rupees की ही मैगी है। अगर आप नीचे से खा पी के हैं तो ज़्यादा बेटर है, बट अगर आपको 13,800 feet पे मैगी और कहवा का आनंद लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। कुछ देर फेज टू पे टाइम स्पेंड करने के बाद अब टाइम था इस अमेजिंग सी जगह को बाय बाय कहने का। सो नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय टू फेज टू एट 13,800 feet। हमने मैगी और कहवा का आनंद लिया और खूब सारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सी फोटोज़ खींची हैं। आप वो सारी फोटोज़ मेरे इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो। एंड प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। वीडियो में और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और यूज़र नेम वीडियो में भी आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं वापस फेज वन और फिर उसके बाद चलते हैं नीचे गुलमर्ग। इसके बाद फाइनली फेज वन से होते हुए हम वापस गुलमर्ग तक आ गए। जब तक हम नीचे पहुंचते हैं, चलिए मैं आपको गुलमर्ग गोंडोला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं। आई हाईली रिकमेंड कि आप गुलमर्ग की गोंडोला राइड ऑनलाइन ही बुक करें। ये आप जम्मू कश्मीर केबल कार .com पर जाकर बुक कर सकते हैं। आपको फेज वन और फेज टू की टिकट सेपरेटली बुक करनी पड़ेंगी। और अगर आप फेज टू जाना चाहते हैं तो इट इज मैंडेटरी कि आप फेज वन की टिकट बुक करें। फेज वन की कॉस्ट होती है 740 rupees पर पर्सन एंड फेज टू की टिकट होती है 950 rupees पर पर्सन। गुलमर्ग गोंडोला के बाद हम निकले हमारी गुलमर्ग ट्रिप की फाइनल डेस्टिनेशन के लिए, जो था द्रंग वाटरफॉल। द्रंग वाटरफॉल गुलमर्ग से कुछ 12 किलोमीटर और तंगमर्ग से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो भाई अभी मैं हूँ द्रंग वाटरफॉल पे और ये वाटरफॉल पूरा जम चुका है। ये रिसेंटली बड़ा ही इंस्टाग्राम वगैरह पे फेमस हुआ था तो हमने कहा चलो अब आए हैं तो देख लेते हैं। तो ये जो वाटरफॉल है ये तंगमर्ग से 4 किलोमीटर है और गुलमर्ग से अराउंड 14 किलोमीटर है। आप इधर टैक्सी लेके या फिर ATV राइड लेके आप यहाँ पे आ सकते हो और टैक्सी का कुछ 2,500 पड़ता है, फिर आप बार्गेन वगैरह कर सकते हो। और ATV राइड अगर आप लेते हो तो पर ATV आपको 2,000 rupees पड़ता है। थोड़ी देर वाटरफॉल घूमने और खूब सारी फोटोज खिंचाने के बाद टाइम था इस अमेजिंग सी जगह को बाय बाय बोलने का। और इसी के साथ हमारी इस ब्यूटीफुल सी 2 दिन की गुलमर्ग ट्रिप को ख़त्म करने का।
काफ़ी मज़ा आया गुलमर्ग में। हमने ATV राइड करी और स्कीइंग करी हनी और अंशिका ने, उसके बाद हम गंडोला गए फेज़ 1 एंड फेज़ 2। तो इसी के साथ करते हैं गुलमर्ग को बाय और इस व्लॉग को भी एंड करने का समय आ गया है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू इट एंड प्रेस द बेल आइकन एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।